Good morning, friends. Good morning. Shall we start? Shall we start? Let us begin. Income Tax Act का आगे का discussion आज करेंगे हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, कल जो discuss किया था उसका, कल तक जो discuss हुआ था उसका एक बार होगा quick recap. Are you ready? चलो, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? So, सबसे पहले तो हमने आपसे ये पूछा था कि इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन डैश डैश इनकम. वेरी गुड. इनकम टैक्स एक्ट जो है किस ईयर में आया? 1961. बट इट वॉज मेड इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? 1 अप्रैल 1962. वेरी गुड. चलो, सो उसके बाद हमने इनकम टैक्स एक्ट का ओरिजिनेशन ट्रेस करने की कोशिश की, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रेफर करना उचित समझा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू हम सफर कर रहे हैं. उसमें से सबसे पहला आर्टिकल जो टैक्स के बारे में बात करता है वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 265. व्हाट डज आर्टिकल 265 सेज? आर्टिकल 265 कहता है, हाँ, कलेक्ट ओनली दोज टैक्सेस व्हिच आर मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए हैं वही आपसे कलेक्ट किए जा सकते हैं. जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए नहीं वो गवर्नमेंट को कलेक्ट करने का अधिकार भी नहीं है. उसके बाद आगे चलते 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 हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़े. नेक्स्ट आर्टिकल मिला हमें आर्टिकल 245. क्या कहता है आर्टिकल 245? आर्टिकल 245 कहता है ये देश बहुत बड़ा है, इस देश की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो देश को चलाने के लिए एक सरकार काफी नहीं है, अलग अलग सरकारें चलाती है इस देश को, सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटीज. इसलिए टैक्स को एक सिंगल सरकार नहीं कलेक्ट करेगी बल्कि सारे गवर्नमेंट्स मिलकर टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 में तीन लिस्ट दी है. लिस्ट का मतलब लिस्ट ऑफ टैक्सेस, कौन सी सरकार कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगी ये बताने का काम इन लिस्ट में किया है. तो लिस्ट वन जिसको हम कौन सी लिस्ट कहते हैं, यूनियन लिस्ट. लिस्ट टू जिसको हम स्टेट लिस्ट. लिस्ट थ्री जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं. तो लिस्ट वन जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं मित्रों, यूनियन लिस्ट के टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. लिस्ट टू के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट. लिस्ट थ्री के टैक्सेस दोनों मिलके इनकम टैक्स. ये किस लिस्ट में बताया गया है? यूनियन लिस्ट. पहली लिस्ट है. और कौन सी एंट्री है मित्रों? एंट्री नंबर 82. एंट्री नंबर 82 क्या कहती है? इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम अदर देन व्हिच इनकम? एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सेंटर का नहीं बल्कि स्टेट्स का है. उसके बाद मित्रों हमने ये भी पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके मित्रों, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने ये भी देखा कि ये एक्ट, पहले तो ये समझ में आ गया कि इनकम टैक्स ये जो टैक्स है इनकम पे है और ये कलेक्ट करने का अधिकार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ये नहीं समझा कि एक्ट बनता कैसे है. तो ये समझने के लिए हमने कुछ कुछ डिस्कस किया कि इस देश के संविधान ने पावर्स किसी एक सिंगल अथॉरिटी को दिया नहीं है. दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स. व्हिच आर दोस थ्री डिफरेंट पार्ट्स? फर्स्ट ऑर्गन इज नोन एज लेजिस्लेटिव ऑर्गन, सेकेंड ऑर्गन इज नोन एज जुडिशियल ऑर्गन, एंड द थर्ड वन इज नोन एज एग्जीक्यूटिव. तो सबसे पहला ऑर्गन जिसका नाम है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन लॉ बनाने का काम करेगा, जुडिशियल ऑर्गन उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेगा, और जुडिशियल ऑर्गन अगर आप लॉ फॉलो नहीं करते तो पनिश करने का काम करेगा, और एग्जीक्यूटरी ऑर्गन इंप्लीमेंट करने का काम करेगा. क्या हमने ये डिस्कस किया था? चलो फिर आइए करते हैं इसको रिवाइज. लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लॉ बनाने का काम करता है मित्रों, तो उसमें आता कौन है लेजिस्लेटिव ऑर्गन में? हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर चेयर्ड बाई हुम? They are houses of parliament are headed by the president of this country. President is known as the first citizen of the country. सबसे पहला देश का सबसे पहला है वो. ठीक है, citizen. ठीक है, that is president. तो अब मित्रों कोई भी law बनने से पहले जब draft form में वो होता है उसको हम क्या कहते हैं? Bill.
बिल सबसे पहले कहां प्रेजेंट होता है? लोकसभा। लोकसभा में अप्रूवल मिलने के बाद राज्यसभा। राज्यसभा में अप्रूवल मिलने के बाद साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो प्रेसिडेंट ने साइन करने के बाद ये क्या बनता है? बिल का बनता है एक्ट। मित्रों ये एक्ट एग्जीक्यूट करने का अथॉरिटी किसके पास है? एग्जीक्यूटरी ऑर्गन में कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय हूम? प्राइम मिनिस्टर। श्री हमारे प्राइम मिनिस्टर जी सारे एक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसलिए उनको जरूरत पड़ी मिनिस्ट्रीज की। हम किस मिनिस्ट्री से डील करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितने बोर्ड्स हैं? CBDT और CBIDT। डायरेक्ट टैक्स एग्जीक्यूट करने का काम CBDT थ्रू वेरियस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स। तो अब मित्रों एक्ट कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। रूल्स कौन बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सर्कुलर्स कौन इशू करता है? CBDT। वेरी गुड, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट, वेयर एज नोटिफिकेशंस व्हेन एक्ट्स एंड रूल्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल। मित्रों क्या हम चाहे तो खुद सर्कुलर रेफर कर सकते हैं? भले ही सर्कुलर जनता पे बाइंडिंग नहीं है, सर्कुलर केवल एम्प्लॉइज के लिए इंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्या ये सर्कुलर हम खुद फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ। ठीक है, सो आप लोग यानी जब प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे तो अलग अलग सर्कुलर्स आप पढ़ते रहोगे, ताकि ये सर्कुलर्स नॉट ओनली दे एक्ट एज ए गाइडलाइंस टू द एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट, वो अपन भी रेफर करके अपने खुद के लिए गाइडलाइंस करके समझ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया। वेरी गुड, उसके बाद भाई सब ज्यूडिशियल ऑर्गन में कौन आता है बताइए? ज्यूडिशियल ऑर्गन में ज्यूडिशियल, ठीक है, सबसे उच्च न्यायालय क्या कहते हैं इसको हम? वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट। अंडर सुप्रीम कोर्ट देर आर वेरियस हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। ओके चलो, सो सबकी आत्माएं अगर ठंडी हो गई यानी शांत हुई होगी तो हम ध्यान देंगे, है ना। बहुत बार मुझे लगता है रिवीजन मेरा ही मैं कर लेता हूँ, ठीक है, रिवीजन आपके लिए होता है, सो कृपया पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कल यहाँ तक किया था हमने डिस्कस, सर इसके आगे भी किया था हमने कुछ डेफिनेशंस। ओके, उन डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। यस, वेरी गुड, प्रीवियस ईयर। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर? जिस ईयर में हम पैसे कमाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में इसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, लेकिन इनकम टैक्स में इसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रीवियस ईयर? क्योंकि सरकार के लिए ये ईयर रिलेवेंट नहीं है, इसलिए सरकार ने पहले किस ईयर को डिफाइन किया? असेसमेंट ईयर, यानी जिस ईयर में इनकम कमाओगे उसका कैलकुलेशन अगले साल में करोगे और टैक्स भी अगले साल में भरोगे। तो सरकार के लिए कौन सा साल रिलेवेंट है? अगला। अगले को क्या कहते हैं? Assessment year, the year in which we calculate income and tax on income is known as assessment year, and the year prior to the assessment year is known as previous year. Very good, previous year is a period of कितने months? 12 months. Can it be more than 12 months? Can it be a period of more than 12 months? No. Can it be a period of less than 12 months? Possibility. In two cases. Which are those two cases? The year in which you start the business and the year in which you समाप्त the business, ठीक है। सो ये दो साल ऐसे हो सकते हैं जहां पे 12 साल से कम समय का पीरियड आपका प्रीवियस ईयर बनेगा। ओके, अब प्रीवियस ईयर की शुरुआत किस तारीख से होगी और कब तक चलेगी? प्रीवियस ईयर शेल बिगिन ऑन विच डेट? 1st of April, एंड ऑन 31st March। हम जून और दिसंबर 2020 वाले जो है उनके लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है? 1920, 1st April 2019 से लेके 31st March 2020 तक जो ईयर रहेगा वो अपने लिए है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के बाद नेक्स्ट डिस्कशन जो अपन ने किया था वो किसका था? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को तो अपन ने डिफाइन किया था, द ईयर इन विच वी असेस यानी कैलकुलेट इनकम एंड टैक्स ऑन इनकम इज नोन एज असेसमेंट ईयर। ठीक है, सो असेसमेंट ईयर इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ 12 मंथ विच विल बिगिन ऑन 1st ऑफ अप्रैल एंड ऑन 31st मार्च। हमारा प्रीवियस ईयर अगर 1920 है तो उसका असेसमेंट ईयर है 2021। ओके, ये डिस्कस हुआ था, रिवाइज कर लिया आपके लिए। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर रूल क्या कहता है? हर एक असेसमेंट ईयर का एक प्रीवियस ईयर होना चाहिए। इसका मतलब इनकम टैक्स में एक साल होता है या दो दो साल होते हैं? एक प्रीवियस ईयर, दूसरा सीक्वेंस में आता है, पहले प्रीवियस आएगा बाद में असेसमेंट, लेकिन डिफाइन करते पहले
असेसमेंट, और बाद में ओहो समझ में आ गया सर, ये भी सर आगे बताओ सर, हम आगे क्या डिस्कस किया था, फाइनेंस एक्ट 2019 के बारे में डिस्कशन किया था मित्रों। ये जो फाइनेंस एक्ट होता है ठीक है, क्या वो एक ही बार आता है या हर साल आता है, किसके साथ लाया जाता है, बजट के साथ, किस बजट के साथ, रेलवे बजट या फाइनेंस, ओके फाइनेंस बजट के साथ एक बिल होता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस बिल, है ना, ओके ये फाइनेंस बिल क्यों बनाया जाता है, ये जानने के लिए कि आने वाले साल में गवर्नमेंट कितना टैक्स लेने वाली है आपसे और गवर्नमेंट के कितने खर्चे होने वाले हैं, उन खर्चे को मीट करने के लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे कैसे गवर्नमेंट को मिलने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट आने वाले साल के जो भी टैक्स रेट्स है वो फाइनेंस बिल में बता देते हैं ठीक है। बाद में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद बिल बनता है। तो हमेशा फाइनेंस एक्ट पिछले साल के लिए होता है या आने वाले साल के लिए, किस महीने में जनरली प्रेजेंट किया जाता है, जनरली फरवरी के महीने में प्रेजेंट किया जाता है ठीक है। सो मित्रों फरवरी 2019 में जो बिल प्रेजेंट हुआ वो बना बाद में फाइनेंस एक्ट 2019 जो आपके लिए एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021, इसमें शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका सर, ये समझ में आ गया सर, अब आगे बढ़िए सर, अब सर हम शुरुआत करेंगे हाँ आज का डिस्कशन, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रेट्स ऑफ टैक्स से ठीक है मित्रों। अब सबसे पहला यानी जो बेसिक का टॉपिक है, बेसिक के टॉपिक में बहुत सारी चीजें कवर होगी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अहम चीज है आज का डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। समझो आपके कुछ मित्र लोग आए नहीं हैं आज, क्यों, क्योंकि कॉलेज का ये है वो है, इसका वो हुआ, इसकी शादी हुई, इसका इसको ये हुआ वो हुआ, जो भी है व्हाटएवर में भी दरीज है ठीक है, उनको कृपया आज ठीक है आप ये सिखा दीजिएगा जो भी उनका आज का मिस हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स में आने वाले लेक्चर्स के लिए, ये बहुत जरूरी है ठीक है। सो उनको आज सिखा दीजिएगा आप ठीक है, चाहिए तो आप उनसे 500-200 रुपया ले लीजिएगा ठीक है, पिज्जा बर्गर वड़ा पाव पार्टी लेना है जो ले लेना है ले लेना, लेकिन ये आज सिखा देना है ठीक है। ओके अब सुन रहे हैं सब लोग, ध्यान देके सुनेंगे ओके। चलो अब मित्रों शुरुआत करते हैं, हाँ, शुरुआत करें रेट्स ऑफ टैक्स सर। अब आप क्या सिखाने वाले हो, सबसे पहले हम तो आपको सिखाएंगे पहले तो टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर, हमारे निजी जीवन में इसका कोई फायदा होने वाला है, जी हाँ आप भी कभी ना कभी कमाओगे ना, कमाने के बाद भरोगे ना, तो भरते वक्त कितने रेट से भरना चाहिए, टैक्स कितने रेट से भरना पड़ता है ये भी जानना जरूरी है ठीक है। सो निजी जीवन में इंपॉर्टेंट है सर, अभी कुछ फायदा होगा क्या पढ़ के, बिल्कुल आपके घर में कोई नहीं कोई कमा ही रहा होगा ठीक है, सो उनका टैक्स कैसे कट रहा है, उनको कैसे मदद कर सकते हो आप टैक्स प्लान करने के लिए, इविजन की बात नहीं करेंगे हम, टैक्स प्लान करने के लिए आप उनको कैसे मदद कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। चलो सो आइए धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं रेट्स ऑफ टैक्स से। सो ध्यान देकर सुनना, आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि डिस्कशन बहुत अहम है, चेंजेस भी होती है हर एक फाइनेंस एक्ट में, रेट्स ऑफ टैक्स बदलते हैं ठीक है। सो आपके लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट है वो कौन सा फाइनेंस एक्ट है मित्रों, फाइनेंस एक्ट 2019, तो यानी इसका मतलब जो हम रेट्स ऑफ टैक्स पढ़ रहे हैं अब वो फाइनेंस एक्ट 2019 के हैं। फाइनेंस एक्ट 2019 इज एप्लीकेबल फॉर, फाइनेंस एक्ट 2019 इज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, और किन अटेम्प्ट के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, जून और दिसंबर 2020 ठीक है। सो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं, तो आप लोग तैयार हो, आर यू रेडी, चलो सो शैल वी स्टार्ट, नहीं लिखेंगे नहीं, पहले समझ लो पूरा का पूरा समझ लो, आराम से समझना, अपने को जल्दबाजी का है ओके मित्रों। सो ध्यान देके सुनना, सो ये जो रेट्स ऑफ टैक्स है क्या वो सारे बिजनेसेस के लिए सेम रेट्स ऑफ टैक्स होते हैं क्या, जी नहीं, सारे बिजनेसेस के लिए या सारे एसएससीज के लिए हम एसएससी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब भी बताएंगे हम आपको एसएससी का मतलब क्या होता है। जैसे हम बिजनेस कहते हैं, एंटिटी कहते हैं, फर्म कहते हैं, वैसे इनकम टैक्स में बिजनेस एंटिटी फर्म वगैरह कहने के बदले एसएससी कहा जाता है। सर एसएससी कौन होता है, एकदम लेमन टर्म में बताइए सर, यानी आसान शब्दों में जो आम जनता को समझ सकता है, एसएससी वो इंसान होता है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, एसएससी वो इंसान होता है जो टैक्स पे करने के लिए, एकदम सिंपल डेफिनेशन ठीक है ओके। चलो सर यानी वो कोई भी हो सकता है, एनीवन कैन बिकम लायबल टू पे टैक्स, एनीवन नहीं, द वन हु अर्न्स इनकम, बिकॉज इनकम टैक्स इज ऑन, तो जो इनकम कमाएगा उसी को तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, अरे बोलो ओके। सो इसका मतलब सर क्या इस देश की सारी आबादी इनकम टैक्स भरती होगी, नहीं, क्यों, सब लोग तो इनकम कमाते नहीं। सर फॉर एग्जाम्पल
जैसे आप ही का एग्जाम्पल ले लो, आप लोग अभी इनकम कमा रहे हो क्या? बोलो आप लोग अभी इनकम मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो? नहीं कमा रहे हो तो आर यू लाइबल टू पे टैक्स? सर इनकम ही नहीं है तो काहे का टैक्स? हम तो चाहते हैं करोड़ों का भरे लेकिन हजारों में भी नहीं है इनकम, सर कहां से टैक्स भरे सर? ओके चलो, सो यू आर नॉट एन एसएससी देन, ठीक है? इफ यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स देन यू आर नॉट एन एसएससी, ठीक है? चलो आप लोग एसएससी नहीं हो, लेकिन देखिए सर आप एसएससी हो ना सर, आप तो टैक्स भरते होंगे सर, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, थोड़ा बहुत भर लेता हूँ, सो आई एम एन एसएससी, ठीक है? सो हु इज एन एसएससी? हु इज एन एसएससी? एसएससी इज द वन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। बट सर अब सर ऐसे भी हो सकता है, आप तो प्रोप्राइटरी कंसर्न भी चला सकते हो, आपकी तो पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपकी कंपनी भी हो सकती है सर, है ना? तो क्या सर सबके लिए टैक्स रेट सेम है क्या? नहीं, ठीक है। सो टैक्स रेट जानने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट ने एसएससीज का क्लासिफिकेशन चार कैटेगरीज में किया है। कितनी कैटेगरीज में मित्रों? चार कैटेगरीज। पहली कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा कैटेगरी है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो जो लोग आ चुके हैं इनका मतलब हम जरूर जानेंगे, आगे इनका डेफिनेशन भी है, ठीक है। सो डेफिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो इसके नाम से काम चला लो, ठीक है। तो पहले कैटेगरी में कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है सर? नटशेल बता सकते हैं इंडिविजुअल? हम सब लोग कौन है सर? यानी मेल आएंगे, फीमेल आएंगे, माइनर, माइनर छोटे छोटे बच्चे, मेजर आएंगे क्या? सीनियर सिटीजन? सर माइनर, सर माइनर कहाँ इनकम कमाता है? माइनर इनकम कमाता है, कमाता है वो बहुत सारे माइनर इनकम कमाते हैं, ठीक है। सो वो है गाना गाना गाते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे पिल्ले आते हैं गाना गाने के लिए। ओके सो अब इनको गाना गाने का पैसा मिलता है, हाँ, तो ये इनकी इनकम है। उतना ही नहीं, एडवर्टीजमेंट में भी आते हैं ना बहुत सारे छोटे छोटे, एकदम क्यूट क्यूट से उठा के लाते हैं, है ना? एडवर्टीजमेंट देखते हो आप लोग? वो नहीं क्या, नया नहीं, कौन सा एडवर्टाइजमेंट? ओके सो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिल्ले आते हैं, लेके आते हैं, ठीक है। सो अब इनको क्या फ्री में लाते हैं क्या? नहीं, ठीक है, इनको पैसा देना पड़ता है। सो ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, ब्रिटानिया की एडवर्टाइजमेंट है, वो ब्रिटानिया का बिस्किट मिलता है, वो देखे क्या बोलते हैं वो, कुछ तो कागज का बनाता है, वो देता है, पार्ले जी नहीं रे बाबा, मारी गोल्ड, कौन सा गुड्डे शायद, कोई तो बिस्कुट, कोई तो ऐड दिखाते ना उस ऐड में, ओरियो है क्या? नहीं, गुड्डे का ऐड है ना, उसमें कुछ तो कागज का बोर्ड बना के, फ्रॉक बना के देता है और उसके बदले गुड्डे देता है, गुड्डे मिलता है, नहीं देखा ऐड? गुड्डे गुड्डे है ना, हाँ। चलो सो मैं वो दुकान ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिली ही नहीं है, बहुत सारे फ्रॉक बनाए थे, कहाँ पे? ओके चलो सो सुनिए आप ध्यान देखें, हाँ, तो ये छोटे, अरे अरे नहीं भटकते नहीं, आ जाइए। ओके सो फ्रॉक नहीं भाई साहब, फ्रॉग बोला मैं, फ्रॉग, दिमाग कभी सीधा चलेगा नहीं आपका, मुझे पता है। ओके सो आप सुनिए सो मित्रों, अब ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये भी इनकम कमाते हैं, आर दे लाइबल टू पे टैक्स? यस ऑफ कोर्स दे आर लाइबल टू पे टैक्स। इंडिविजुअल के डेफिनेशन में पढ़ेंगे ना, इंडिविजुअल के डेफिनेशन में सारी चीजें पढ़ने वाले आगे आएगी। उसके बाद है एचयूएफ। एचयूएफ का फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एजेपी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। सर क्या होता है ये सब? सब बताऊंगा, चिंता मत करो। इन सबको एक साथ क्यों लाया सर? क्योंकि इन सबके लिए टैक्स रेट सेम है, इसके लिए इनका एक ग्रुप बनाया, ठीक है। तो ये ग्रुप के एक साथ टैक्स रेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म्स। पार्टनरशिप फॉर्म में आपको वो भी आता है ना, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना? ओके, उसका एक ग्रुप है। कंपनी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज, ये जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ये जो म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, सर दे आर आल्सो लाइबल टू पे टैक्स। सर लेकिन वो तो खुद सरकार है, तो सरकार सरकार को टैक्स देगी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोकल अथॉरिटीज के बारे में जब पढ़ेंगे। और आखिरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन शुरुआत करेंगे वन बाय वन फर्स्ट कैटेगरी से। फर्स्ट कैटेगरी किन किन की है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी,
BOI, AJP, कौन कौन, इंडिविजुअल, HUF, AOP, AOI नहीं है बाबा, AOP, BOI, AJP, ऐसे कितने ऐसे सीरीज है, पांच, पांच के लिए सबके लिए द टैक्स रेट्स आर सेम। चलो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला जो टैक्स रेट्स है वो सबके लिए, ठीक है, लेकिन हम शुरुआत जो करने वाले वो उसमें से सिर्फ इंडिविजुअल, उस कैटेगरी में से एक को बाहर निकाला हमने, इंडिविजुअल को, ठीक है। इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद, ठीक है, सेम टैक्स रेट्स हैं एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इंडिविजुअल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल यानी हम सब लोग, इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल की वो होती है नहीं एज, है ना, ठीक है, हमारी वो होती है ना डेट ऑफ बर्थ, हाँ, तो उससे वो निकलता है एज, आधार कार्ड नहीं रे बाबा, उससे हम एज निकालते हैं। तो अगर हमारी एज, ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा, अगर हम इंडिविजुअल है और हमारी एज बिलो 60 है, 60 साल से कम उम्र के हैं हम, तो हम हमारे डिस्कशन के लिए इसको नॉर्मल इंडिविजुअल कहेंगे, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब भी हम लेक्चर में कहेंगे नॉर्मल इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा, फिर जिनकी एज 0 to 60 ईयर्स के बीच में है, 0 to 60 ईयर्स वाले आपके लिए टैक्स रेट्स ये होंगे। क्या होंगे टैक्स रेट्स, देखिएगा एक एक करके, ठीक है। अब शुरुआत करने से पहले बता दें ये स्लैब रेट्स है, कौन से रेट्स है, पूरी इनकम टैक्स में रेट्स दो पार्ट में बटे हैं, एक होता है फ्लैट रेट और एक होता है स्लैब रेट। फ्लैट रेट का मतलब क्या, आपने जितनी भी इनकम कमाई सारे इनकम के लिए एक ही रेट है, 10 लाख इनकम कमाई 10 लाख के 30% डायरेक्ट टैक्स निकला जाएगा, तो 10 लाख के 30% यानी कितना टैक्स आएगा, 3 लाख, ठीक है। सो जब आपकी पूरी इनकम के लिए एक सिंगल रेट से टैक्स निकाला जाता है तो उसको कहते हैं फ्लैट रेट, उसको क्या कहते हैं, फ्लैट रेट। और स्लैब रेट क्या होता है, स्लैब रेट ऐसे होता है कि पहले 2 लाख के लिए इतना रेट, 2 लाख से ऊपर कमाओगे 5 लाख तक उसका, उसके लिए इतना रेट, 5 लाख से इतना कमाओ ऊपर इतना कमाओगे तो उसके लिए इतना रेट, ठीक है। ऐसे अलग अलग रेंज ऑफ इनकम के लिए जब अलग अलग रेट्स दिए जाते हैं तो ऐसे रेट्स को मित्रों स्लैब रेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्लैब, ठीक है। सो दो टाइप के रेट्स होते हैं, एक होता है फ्लैट यानी सारी इनकम के लिए एक रेट और दूसरा होता है स्लैब, इंडिविजुअल्स के लिए स्लैब रेट है। कौन सा रेट है, चलो आइए करते हैं चर्चा, सब लोग सुन रहे हो ना, ठीक है, पक्का ध्यान यहां वहां भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लैब रेट्स की, तो स्लैब रेट क्या है, तो स्लैब रेट सरकार ने पहला स्लैब जो रखा है वो 0 to 2,50,000 रुपीज तक का पहला स्लैब रखा है। कौन सा स्लैब रखा है, 0 to 2, नहीं लिखेंगे नहीं, लिखेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है, आराम से लिखने के लिए समय देंगे, चिंता मत कीजिए, समझ लो, पहले समझना बहुत जरूरी होता है, आपके ब्रेन के ऊपर विश्वास रखिए, आपके ब्रेन ब्रेन में बहुत क्षमता है याद रखने की चीजों को, ठीक है। सो बस ध्यान देना जरूरी है, आराम से सुनना जरूरी है, और मैं एक चीज 10 बार रिपीट करता हूँ, आप रट दोगे सारी चीजें, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। सो बाई हार्ट हो जाएगी, बस ध्यान दीजिएगा और सुनते रहिएगा। हाँ सर, सर सर पता नहीं सर हमारे बॉडी के अंदर किसकी आत्मा है, लेकिन सर हम शांत नहीं बैठ सकते सर, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है सर हमें, एक तो अशांत बैठेंगे तो फोन उठाएंगे, नहीं तो इसको देखेंगे, नहीं तो हमारी जुल्फों के साथ खेलते रहेंगे। ओके सो जो भी है, ओके सो शुरुआत करते हैं। तो पहला जो स्लैब है मित्रों, ध्यान है, पहला जो स्लैब है वो 0 to 2,50,000 तक है, 0 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के बीच में अगर आप इनकम कमा रहे हो तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं, क्यों, आपका टैक्स रेट नील है। सर क्यों नील रखा है, क्योंकि सरकार कहता है देखो आप जब इनकम कमाओगे ना, सुन रहे हो, वो इनकम से आपके बहुत सारे खर्चे होंगे, घर गृहस्थी भी तो चलानी होती है, तो सरकार बोलता है 2.5 लाख रुपया घर गृहस्थी चलाने के लिए रखो, चलो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, पहले 0 lakh to 2,50,000 आप आपका खर्चा चलाओ। सर ये 2,50,000 का रेट, इसको क्या कहा जाता है टैक्स की भाषा में, इसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सर ये क्यों दिया गया, कारण मैंने बताया, आप आपका खर्चा चलाइए, इसमें से देश के बारे में मत सोचो, ठीक है, देश के बारे में तब सोचो जब आपके खुद के खर्चे मीट हो जाएंगे, ठीक है। सो पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ भी पे करने के लिए जरूरत, इसलिए मैक्सिमम जनता हिंदुस्तान में टैक्स नहीं भरती, क्यों,
2.5 लाख रुपए से कम इनकम है, यानी बहुत सारे लोग इनकम कमाते हैं लेकिन उनका उनकी इनकम 2,50,000 से कम है। हाँ भाई साहब पूछिए। हम अभी किस टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्रोफेशन टैक्स भी सर्टेन लिमिट के ऊपर है, ठीक है, यानी उन्हें वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अगर आपने प्रोफेशन टैक्स की बात छेड़ी थी तो दैट इज गिवन टू स्टेट्स नॉट टू द सेंटर, और उसकी अमाउंट भी बहुत नॉमिनल है, इतनी नहीं है, ठीक है, चलो। हाँ, सो अब सुनिएगा, ध्यान देगा, 2.5 लाख तक की इनकम के ऊपर सरकार आपसे टैक्स लेने वाली नहीं है, ठीक है, वो उतना इनकम आपके लिए छोड़ दिया। अब 2.5 लाख का अगर हमने हिसाब लगाया थोड़ा, 2,50,000 डिवाइड बाई 12 मंथ्स करो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 2.5 लाख रुपया, यानी 2,50,000 साल भर का इनकम डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स कितना आता है, 20,833 रुपया है ना, 20,833, ठीक है। क्या लगता है 20,833 ये इनकम बहुत सारे लोगों की होगी या उससे कम ही होगी? बहुत सारे लोग हैं जो 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 पे काम करते हैं महीने का पगार, ठीक है। सो हाँ भाई, बहुत क्वालिफिकेशन, आपने अच्छा खासा क्वालिफिकेशन लिया तो 40,50,000, 60,000, 70,000 ऐसा पैकेज मिलता है, अच्छा खासा। लेकिन बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अनएडुकेटेड है, बहुत सारी जनता अनएडुकेटेड है, बहुत कम इनकम कमाते हैं बेचारे, 20,000 के अंदर ही इनका पगार होता है, तो फिर ऐसे लोगों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात, ठीक है। सो इसलिए सरकार ने, और सरकार ये भी कहता है, एक इंसान को महीने का 20,000 रुपया खर्चा करने के लिए काफी हो जाता है, एक इंसान को हिंदुस्तान में महीने का 20,000 रुपया खर्चा करने के लिए काफी हो जाता है, इसलिए सोच समझ के इन्होंने लिमिट 2.5 लाख रुपए का रखा है। आई होप यू गॉट इट, चलो फाइन। हाँ, अब इसके लिए कोई रिटर्न लॉजिक नहीं है, कहीं पे एक्सप्लेन लॉजिक नहीं है, ठीक है। सो इन लोगों ने इतना एग्जेम्पशन रखा है, इसके पीछे का मैंने उद्देश्य आपको बता दिया। हाँ, लेकिन सरकार ये भी कहता है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाओगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि 2.5 लाख रुपए से 5 लाख के बीच वाली जो आपकी इनकम आएगी उस इनकम पे आपको टैक्स भरना है, और वो भी कितने रेट से, 5% से। कितने रेट से सर, ये समझ में आ गया सर। सर इसका मतलब अगर हमारी 5 लाख इनकम है, कितनी, ध्यान देके सुनना, हमारी कितनी इनकम है 5 लाख, तो सर 5 लाख के ऊपर पूरा 5% भरना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है, स्लैब है ना, कौन से रेट है, फ्लैट रेट नहीं है। स्लैब का मतलब पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स आने वाला नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख इस बीच आपकी इनकम कितनी आ रही है, 2.5 से 5 इस बीच इनकम कितनी है, इस 2.5 लाख पे लगेगा 5%, यानी सर वो कितना आएगा, 12,500। बात को समझ रहे हो, ठीक है, यानी सर 5 लाख की इनकम कमाएंगे तो उसमें से 12,500 टैक्स भरना पड़ेगा। इतना भर सकते हो, इतना तो देश के लिए कर लो, 5 लाख में से 12,500 मांग रहे, कहां ज्यादा मांगा है, ठीक है, भर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, पक्का। सर जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, हाँ, उनकी इनकम जिनकी 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, 5 से तो पहले 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 पे 5%, और 5 के ऊपर जितनी इनकम है 10 लाख तक उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20%, ठीक है। और 10 लाख से भी अगर ज्यादा कमाते हो तो टैक्स लगेगा @30%। आई होप स्लैब समझ में आ रहा है, बताइए। पहला बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितने का, 2,50,000 तक टैक्स है क्या? नहीं है सर, नील है। उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में जो इनकम है 5% टैक्स है, 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जो इनकम है, ठीक है, टैक्स कितना है 20%, और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे टैक्स कितना है 30%। सर लेकिन हमने तो अभी टेलीविजन पे हमने सुना तो कुछ अलग टैक्स रेट्स थे। सर आपने जो सुना मुझे पता ही था आप ये सवाल पूछेंगे, इसके पहले ही मैंने पूछ लिया और जवाब भी दे देता हूं। वो टैक्स आप जो टेलीविजन पे देख रहे हो फाइनेंस एक्ट 20 के है मित्रों, हमारे लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, 2019, ठीक है, जो नए टैक्स रेट है 2020 के। सर हर साल ऐसे बदलते हैं क्या? जी हाँ, ठीक है, तो आप यही याद रखना, फाइनेंस एक्ट 2020 के साथ कंफ्यूज मत करना खुद को, नहीं तो बहुत सारे बच्चे, अरे सर क्या पढ़ाया सर आपने, सर क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया, ऐसे नहीं, आपके लिए जो एप्लीकेबल है उतना ही पढ़ाता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पढ़ा के आपको क्यों कंफ्यूज करवाया। अभी बता दें हम आपको 2020 में क्या टैक्स रेट है, लेकिन वो जान के भी क्या करोगे, याद तो रखने नहीं, कंफ्यूजन क्यों करवाना है फिर। तो वो फाइनेंस एक्ट 2020 वाला कंटेंट साइड में रखने का, देखने का भी नहीं। हाँ, एक बार ये वाला फाइनेंस एक्ट 2019 का कंटेंट एकदम दिमाग में फिट हो गया, कैलकुलेशन वगैरह सब आ गया, नॉलेज के लिए फिर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। यो यानी अगर आप और दो अटेम्प्ट रहोगे
नहीं नहीं रोना, नहीं मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे कैसे नहीं रहना है, ओके चलो तब मैं जरूर पढ़ा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। हाँ पढ़ाने की हम चाहत रखते हैं, लेकिन आपको सीएस प्रोफेशन में पढ़ाएंगे फिर वो। चलो यहां तक समझ में आ गया तो, अरे बताइए फ्लैट है या स्लैब रेट है सर? अब ये तो फिट हो गए रेट सर दिमाग के अंदर। सर एक अब क्वेश्चन सर, वो आप सॉल्व करो सर, हम सिर्फ देखेंगे, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए ठीक है, और मदद भी कीजिए मेरी ठीक है। हम लेते हैं मिस्टर ए को, जिनकी इनकम है, देख रहे हो सब लोग, मिस्टर ए जिनकी इनकम है, देख रहे हो सब लोग, मिस्टर ए जिनकी इनकम है, देख रहे हो सब लोग, 12 लाख रुपया। कितनी इनकम है? 12। अब आप मदद करेंगे हमें टैक्स कैलकुलेट करने में, क्या कैलकुलेट करने में बताइए, पहला स्लैब क्या है? 12 लाख की इनकम को काट देंगे हम 4 हिस्सों में ठीक है। पहला हिस्सा कौन सा है? 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख तक टैक्स भरने की जरूरत है या नहीं? अरे रे रे रे, ये बंदा टैक्स नहीं भरेगा 2.5 लाख की इनकम तक, उसके ऊपर, लेकिन इसकी इनकम सिर्फ 2.5 लाख है या उसके भी ऊपर है? तो अगला स्लैब कौन सा है? 2.5 लाख से लेके 5। सर इस बीच इसकी इनकम कितनी आएगी? 2.5 लाख, 2.5 लाख के कितना परसेंट टैक्स आएगा? 5%। कितना आएगा टैक्स सर? 12,500। सर यहां तक समझाए, समझ में आ रहा है तो जोर से बोलो। अरे समझ में आया या नहीं? ओके। उसके बाद 5 लाख से लेके 10 लाख, इस बीच इनकम कितना है? 5 लाख है। सबकी आवाजें नहीं निकल रही है ठीक है। सो 5 लाख के कितना प्रतिशत? 20% कितना आएगा? 1 लाख रुपया। ओ सर 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम कमाए तो 20% से 1 लाख आता है। हाँ 10 लाख भी तो कमा रहे हो। ओके सर 10 लाख के ऊपर इनकम कहाँ तक है? 12 लाख। सर 10 से 12 कितनी इनकम हो गई सर? 2 लाख। सर इसके ऊपर टैक्स लगेगा 30। सर कितना टैक्स आएगा सर? ओ माय गॉड। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स सर? नील प्लस 1,200 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, 1,72,000। सर इतना टैक्स आएगा? जी हाँ, 12 लाख रुपये इनकम कमाओगे तो 1,72,500 इतना टैक्स आएगा। सर कैलकुलेशन समझ में आ गया क्या हमें? पक्का समझ में आ गया? सर ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है ठीक है। आइए अब समझा सर, तो सरकार सिर्फ इतना लेगी हमसे या इसके अलावा भी और कुछ लेगी, या इतना ही लेगी या इसके अलावा भी और कुछ लेगी? इतना ही लेगी या इसके अलावा भी और कुछ लेगी या नहीं, ये जानने के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। यहां तक डिस्कशन समझ में आ गया? अरे बोलो पक्का? चलो सर अब बताइए सर, आगे बताइए सर। सर अब ये समझा सर, यानी जिनकी एज 60 ईयर्स है, अप टू 60 ईयर्स है, मेल हो फीमेल हो माइनर हो मेजर हो कोई भी हो सर, 60 साल की एज तक सर ये रेट से टैक्स भरने हैं सर ठीक है? ठीक है, लेकिन सर इसके अलावा कौन कौन से टैक्स हैं ये भी तो आप बताने वाले थे, बता ही देते हैं। चलो इसके अलावा ये जो टैक्स लगता है, इसके अलावा आपको लगता है नेक्स्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। क्या कहते हैं इसको? हेल्थ एंड। सर ये क्या है हेल्थ एंड एडुकेशन? सर ये क्या है सर? सर क्या है ये सर? हेल्थ एंड एडुकेशन सेस क्या है? सुनिए 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 सुनिए, ध्यान देखो। तो हेल्थ एंड एडुकेशन सेस क्या है सर? अब देखो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारी देश की सरकार जो है, ठीक है सुन रहे हो, हमारी देश की सरकार जो है वो आपको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं तो बहुत कम दाम पे देती है ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाम सुना है? ओके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज बहुत सस्ते में होता है, बहुत बार तो मेडिसिन भी बहुत सस्ते में मिलती है और इलाज भी बहुत सस्ते में होता है। अच्छे अच्छे अगर आप विलेजेस वगैरह में जाते हो या छोटे टाउन्स में जाते हो तो वहां के गवर्नमेंट, यहाँ के पुणे में बहुत क्राउडेड होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा सुविधा नहीं दे पाता, लेकिन विलेजेस में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति है बहुत ही बेहतरीन है ठीक है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी आते हैं ठीक है। सो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट को? आपको एक तो यानी ट्रीटमेंट भी चाहिए, आपको मेडिसिन भी चाहिए और वो भी सब्सिडाइज रेट में, तो फिर ये कॉस्ट बेयर कौन करेगा? हॉस्पिटल चलाने का खर्चा कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है, उसको कहा जाता है हेल्थ सेस। क्या कहा जाता है ठीक है। इसके अलावा आपको एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ठीक है। गवर्नमेंट सारे, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं,
है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स, देन गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को ग्रांट भी देता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट लेता है एडुकेशन सेस। कौन सा सेस? ठीक है, पहले एडुकेशन सेस अलग अलग था, अलग अलग रेट्स थे, हायर सेकेंडरी एडुकेशन सेस और प्राइमरी एडुकेशन सेस, ऐसे अलग अलग रेट, लेकिन बाद में उन्होंने सब कंबाइन किया और एक ही नाम दिया, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। सर ये कितना परसेंट से लिया जाता है? सर 4% से। ठीक है, यानी सर इसका मतलब वो इनकम टैक्स जो हमने पे किया उसके अलावा ये भी आएगा क्या सर? हाँ सर। कितने परसेंट से आएगा सर? 4% से आएगा सर। सर ये 4% कब कैलकुलेट होगा सर? पहले आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। क्या कैलकुलेट होगा? और उस टैक्स के ऊपर 4% है। सर इसका मतलब ये इनकम पे नहीं है? नहीं, यानी सर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम है 10 लाख। फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम कितनी है? कितनी इनकम है जरा बताइए, इसके ऊपर टैक्स कितना कैलकुलेट किया? नॉर्मल इंडिविजुअल का अप टू 2 लाख 50। देखो ओरली कैसे कैलकुलेट होगा, 0 to 2 लाख 50,000 क्या होता है? निल। ठीक है, कुछ चीजें दिमाग के अंदर फिट करो, 0 to 2 लाख 50,000, 2 लाख 50,000 टू 5 लाख, 12,500। ठीक है, हमेशा कितना आएगा वो 12। ठीक है, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख कितना आएगा? 1 लाख। यानी 10 लाख तक अगर मैंने पूछा इनकम 10 लाख है तो टैक्स कितना आएगा, तो फटक से जवाब आना चाहिए, 1,12,000। ये क्या आ गया आपका? टैक्स। ये आ गया आपका टैक्स 1,12,500। मतलब बात समझ में आ रही है? प्लस इसमें जुड़ जाता है हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। कितना परसेंट से सर? 4%। समझ रहे हो? तो सर 1,12,500 प्लस 4% करेंगे हम तो कितना बनेगा सर? यानी सर ये 4% किस पे कैलकुलेट होगा, पहले तो 10 लाख पे या 1,12,500 पे? हेल्थ एंड एडुकेशन सेस इज ए टैक्स ऑन टैक्स। हाँ सर फिर से, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस इज ए टैक्स ऑन, इट इज नॉट ए टैक्स ऑन इनकम, इट इज ए टैक्स ऑन टैक्स। तो सर ये 4% हम 1,12,500 पे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब 10 लाख पे नहीं, तो 1,12,500 इनटू 4% कितना आएगा? 4,500। तो टोटल टैक्स कितना है अब? 1,17,000। ठीक है, इतना हम सरकार को भरेंगे। समझ रहे हो सर? दिस इज फाइनल? यस दिस इज फाइनल। सर इसके अलावा और कुछ है? नहीं फिलहाल इतना ही है। ठीक है, और जो भी है वो बाद में है, अभी कुछ काम का नहीं, फिलहाल इतना ही काम का है। समझ में आ गया सर? ये समझा सर, एकदम पक्का समझा सर। सर तो अब इट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सर उसके आगे कुछ लिखा है आपने, वो आप मत पढ़ना। ठीक है, सरचार्ज वो क्या होता है वो अभी उससे मतलब नहीं हमें। द मनी रेस्ड फ्रॉम एडुकेशन सेस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडुकेशन इन द कंट्री एज वेल एज हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटी और एडुकेशन के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जाता है हेल्थ एंड एडुकेशन सेस का। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर? सर ये समझा सर, अब आगे बढ़ो सर, अब हम आपके साथ है सर। ठीक है, हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। कहां तक पहुंचे हम? किसके टैक्स रेट हमने डिस्कस किए थे? इंडिविजुअल जिनकी एज ठीक है लेस देन 60 इयर्स। अब बात करेंगे हम उनकी जिनकी एज 60 इयर्स या इसके ऊपर। पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करें? ठीक है चलो लिख दो। ठीक है, ये टैक्स रेट्स भी लिखना चाहोगे? लिख दो, गिव द हेडिंग टैक्स रेट्स, गिव द हेडिंग रेट्स ऑफ टैक्स, ये लिख दो, कैटेगरीज भी लिख दो रेट्स ऑफ टैक्स के लिए, जो भी एप्लीकेबल कैटेगरीज है वो लिख दीजिए। So let us solve one question on this. Note down, Mr. Anil, age 25 years, Mr. Anil, age 25 years, earns income, Mr. Anil, age 25 years, earns income of rupees, earns income of rupees, 6,75,500. 6,75,500. Compute his tax liability. Compute his tax liability. अब हेल्प चाहिए? सर हम आपको अभी भाव ही नहीं देंगे सर। अब समझ में आ गया सर? 6,75,500 भाई साहब की इनकम है, भाई साहब का टैक्स कितना होगा? हैं? सर आपकी जरूरत ही नहीं है सर, हम कर लेंगे सर। हाँ
कितना क्या हो गया भाई साहब? हाँ फाइनल टैक्स बताना है। फाइनल टैक्स का मतलब उसमें क्या क्या ऐड करके बताओगे जी? अभी क्या बहुत ही फास्ट है आप लोग। नहीं आया, कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, करो करो आराम से, टेक योर टाइम, बस मिस्टेक मत करना। स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। जिस असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन है वो असेसमेंट ईयर है 2021, और प्रीवियस ईयर है 1920, है ना? ओके, अब सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अमाउंट एमसीक्यू है तो फॉर्मेट की एज सच आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी अच्छे से सॉल्व करना ताकि आपको रिवीजन करते वक्त समझ में आए। कहीं पे तो अमाउंट लिख दे और डायरेक्टली टैक्स निकाल दिया, ऐसा मत करो। थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व करो, रिवीजन करते वक्त आप ही को हेल्पफुल रहेगा। इनकम कितना इनकम बताया था? 6,75,000 और 500 बताया था सर आपने। इस इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे सर हम। सर ये टैक्स जो आएगा सर वो कितना आएगा सर? टैक्स देख लो, टैक्स कितना आ रहा है। सबसे पहले तो 2.5 लाख तक, अप टू पहला 2,50,000, 2.5 लाख के इनकम तक कोई टैक्स है या टैक्स नहीं है? उसके बाद 2.5 लाख रुपए से 5 लाख के बीच जितनी भी इनकम है, इस बीच इनकम तो 2.5 लाख की आएगी सर। हाँ, और उसके 5% टैक्स आएगा 12,500। और सर 5 लाख के ऊपर जो इनकम है, 5 लाख से लेके 6,75,500, यानी सर इस बीच कितनी इनकम आएगी? 1,75,500। सर इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा सर? यस सर, 20% सर। सर 1,75,500 के 20% कितना आएगा? 35,100। तो सर इसके अलावा ये टोटल आएगी सर इनकम टैक्स की। सर ये इनकम टैक्स की टोटल कितनी आई सर? 47,600। सर इसके अलावा इस पे ये भी लगेगा ना सर? वो हाँ सर, वही सर, हेल्थ एंड एडुकेशन सर, HEC सर। सो HEC का रेट कितना परसेंट है सर? वो 4%। सर वो किस पे लगेगा सर? टैक्स पे। सर टैक्स कितना है? 47,600। इसके 4% सर, 47,600 के 4% कितना आएगा? 1,904। 1,904 रुपया आया सर। सर बताइए सर टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई इधर? देयरफॉर टोटल टैक्स लाइबिलिटी, सर टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई आपकी, हाँ, 49,404, बराबर 50। अब आपको राउंडिंग ऑफ के प्रोविजन आगे बता देंगे, ठीक है? इनकम टैक्स इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी 4, सॉरी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी 10। सो इनकम टैक्स का राउंडिंग ऑफ हम नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ की जब प्रोविजन पढ़ोगे तब आप यहाँ पे 504 लिखने के बदले कितना लिखोगे? 500। 5 रुपया या उससे ज्यादा है तो अगला राउंडिंग ऑफ होता है, उससे कम है तो निचला राउंडिंग ऑफ होता है, ठीक है? सेक्शन 288B ये कहता है इनकम टैक्स का राउंडिंग ऑफ। किसका राउंडिंग ऑफ? देखो गवर्नमेंट को टैक्स भरते वक्त चिल्लर भरनी पड़ेगी, चिल्लर से गवर्नमेंट को दिक्कत आती है बहुत, इसलिए गवर्नमेंट बोलते हैं उसको राउंड ऑफ करो। क्या करो? राउंड ऑफ करो। यानी क्या? अगर समझो जैसे यहाँ पे 504 रुपया आ रहा है तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? 4 के नियरेस्ट 504 के नियरेस्ट क्या है? 500, ठीक है? 5, 505, 506, 507 होता तो हम कितना लेते? 510, समझ रहे हो? तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 जो है, ठीक है, उस पे टैक्स का राउंडिंग ऑफ होता है। वो राउंडिंग ऑफ का सेक्शन है सेक्शन 288B, वो आगे आएगा लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक ठीक सर, आगे बढ़ो सर। सर और एक क्वेश्चन दे दीजिएगा सर, ये समझ में आ गया सर। सबको समझाए? जोर से बोलो, प्यार से बोलो। सबको समझ में आ गया है क्या? पक्का हो गया? चल लीजिए अगला सवाल आपके लिए।
मिस कैटरीना, बराबर है ना, मिस ही है ना, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं होती, मिसेस नहीं हुई है अभी तक शायद। मिस अभिनंदन मुस्कुरा रहे है। अभिनंदन जी, सलमान की बॉडी और आपकी बॉडी में बहुत अंतर है, पंगा लेने से पहले सोच लीजिए। आगे लिख दीजिए, मिस कैटरीना, एज एग्जैक्टली पता नहीं, अप्रोक्सीमेटली 42 इयर्स लिख दीजिए। ओके, मिस कैटरीना एज 42, अर्न्स इनकम ऑफ रुपीज 18 लाख, कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी। सो कितना है टैक्स लाइबिलिटी? सर थोड़ा टाइम दीजिए सर। ठीक है, ले लीजिए। हो गया, चलो क्या आंसर है आप लोगों का? 366,600। देव जी 366,600 रुपया भरेगी पक्का? ओके, देखते हैं देवी जी का टैक्स कितना रहा है। अब मित्रों, देवी जी की इनकम जो थी वो थी 18 लाख रुपया मात्र। अब देवी जी के पहले 2.5 लाख तक कुछ नहीं लेना है। देवी जी के 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में जो भी उन्होंने कमाई की है उसके 5% से 12,500 रुपया लेना है। ठीक है, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में देवी जी ने जो भी इनकम कमाई है उसके 5 लाख के 20% यानी 1 लाख रुपया मांगना है देवी जी से। और देवी जी ने 10 लाख के ऊपर 18 लाख यानी 8 लाख रुपया कमाए हैं उसके 30% से 2,40,000 लेने हैं। तो देवी जी से जो हम टैक्स मांगेंगे वो होगा 352,500। सही है सर? सही है सर। सर लेकिन सर इतना मांगना है या सर एडुकेशन सेस भी? सर 4% से सर, वो कितना आएगा सर? 352,500 के 4% सर 14,100 रुपया। सो देवी जी से जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी मांगनी है वो होगी 3,00,000। हाँ हाँ, 66,600। 366,600 ओके, सो आई होप सबको समझ में आ गया। Are you comfortable with the calculation of tax liability of an individual whose age is between 0 to 60 years? Okay, और questions की जरूरत? ठीक है, आगे आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे adjustment बढ़ाते जाएंगे वैसे दो questions बढ़ाते जाएंगे। चलो, so मित्रों आइए अब उनके बारे में करेंगे चर्चा जिन्होंने अपने आयु के बहुत सारे साल जी लिए हैं, जीवन जी लिया है और वो बोनस पे चल रहे हैं। लेकिन यानी जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है। ठीक है, चलो हम इतने खुशनसीब नहीं रहेंगे, आने वाली जनता शायद 60 साल से ऊपर जी पाएगी या नहीं पता नहीं, क्या क्या आता है ये कोरोना बोरोना क्या क्या आता है। ठीक है, आया है ना कोरोना? सो अब सुनिएगा, ध्यान देंगे अब इनकी बात करेंगे हम।
ठीक है, ठीक से देखिए, गौर से देखिए इनको, इनकी बंडू एंड मिसेस बंडी, ओके, सो जिनकी एज 60 इयर्स एंड अबव है, ध्यान देके सुनना, जिनकी जिनकी देवी जी हैं, आप 60 साल के बाद कैसे दिखेंगे इसके बारे में बाद में डिस्कशन करना देवी जी, पहले आप टैक्स रेट्स के बारे में चर्चा कर लीजिए। सो अब देवी जी डिसाइड, ये सोच रही थी कि बूढ़ी होने के बाद मैं सेम चश्मा थोड़ी ना पहनूंगी, बदल जाएगा मेरा, ठीक है जो भी होगा ये बाद में फिक्स कर लीजिएगा। उसके पहले जिनकी एज 60 इयर्स एंड उससे ज्यादा है उनकी केस में टैक्स रेट क्या होगा? मित्रों क्या लगता है, क्या सरकार इनसे ज्यादा मांगेगी या कम मांगेगी? बिल्कुल, ये तो जो जी रहे हैं 60 साल की ऊपर की आयु, तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं 60 इयर्स के बाद, सर थोड़ी ना बढ़ते, उल्टा कम होते, खाते भी नहीं, ठीक है, खाने की इच्छा रखते हैं लेकिन खा नहीं पाते, नहीं होते ना दांत, तो अब सर क्या करें? सर हम सब लोग बूढ़े होने वाले, सर ऐसे मत बोलो, ठीक है इसलिए मजे कर लो अभी, ओके जितना खाना है खा लो, डाइट वाइट मत करो, सोयाबीन मत खाओ, ओके सो बिल्डर का है नहीं है ना, चलो सो अब मित्रों ध्यान देके सुनिए, अब जिनकी एज 60 इयर्स एंड उससे ज्यादा है उनकी केस में उनके मेडिकल के खर्चे होते हैं, भले उनका खान पान पे खर्चा कम होता है लेकिन मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए सरकार इनकी जो बेसिक एग्जेम्पशन की जो स्लैब है वो थोड़ा सा ऊपर पुश कर देता है, 2.5 लाख रुपए के बदले सरकार ने ये स्लैब पुश की है अप टू 3 लाख, ठीक है, यानी 3 लाख तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मदद जरूर की है, ठीक है, सो पहले तीन लाख तक कोई टैक्स, उसके बाद का स्लैब सेम रहा है, ठीक है, 3 लाख से 5, व्हाट इज द टैक्स रेट? 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, और अबव 10 कितना परसेंट? 30%, आई होप यू गॉट इट, पक्का समझा? ठीक है सर, सेम स्लैब है सर, इसका मतलब इसमें याद सिर्फ एक चीज रखनी है, जो बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख का था उसके बदले वो कितना है? 3 लाख, ओके सर ये क्लियर है सर। सर सर आपने लेकिन यहाँ पे एक वर्ड एडिशन किया है सर, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप वहां पे सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं लिखे हो सर, आप क्या लिखे हो सर वहां पे? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। सर इसका मतलब क्या होता है रेसिडेंट? ठीक है फिलहाल, ठीक है फिलहाल आप समझ लो देसी बूढ़े, क्या समझोगे सर इसका मतलब? बूढ़ों के भी दो कैटेगरी है, देसी और विदेशी। सर देसी विदेशी में क्या फर्क होता है वो हम टॉपिक नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एकदम डिटेल में बताएंगे, एकदम डिटेल में, फिलहाल समझ लो फिरंगी बूढ़े। कौन से बूढ़े? ये स्लैब फिरंगी बूढ़ों के लिए नहीं है, द स्लैब्स आर एप्लीकेबल ओनली टू आर रेस्पेक्टेड देसी सीनियर सिटीजंस, समझ रहे हो सर? इसका मतलब सर अगर कोई विदेशी यानी नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का क्वेश्चन दिया है तो सर उसके लिए क्या टैक्स रेट होंगे? भाई साहब नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स रेट क्या होंगे? वेरी गुड भाई साहब, ठीक है उनके लिए पहले वाला स्लैब एप्लीकेबल होगा, यहां पे ऐसे कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था इंडिविजुअल, लिखा था देसी विदेशी, तो देसी हो या विदेशी हो, ठीक है इंडिविजुअल अप टू 60 इयर्स के लिए यही स्लैब है, ठीक है इंडिविजुअल जो रेसिडेंट हो एज वेल एज नॉन रेसिडेंट उनके लिए तो ये स्लैब है, लेकिन जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्पेशल स्लैब है। सर इसका मतलब नॉन रेसिडेंट्स के लिए, नॉन रेसिडेंट नॉर्मल सिटीजन हो, नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो, उन सब के लिए पहले वाला टेबल है, फिरंगियों के लिए केवल पहला, फिरंगियों के लिए केवल, फिरंगियों के लिए केवल, फिरंगियों के लिए केवल, ठीक है दूसरा वाला किसके लिए है? देसी बूढ़े किसके लिए है? याद रखोगे भूलोगे नहीं सर, इसके ऊपर तुरंत क्वेश्चन मत दीजिए सर, क्योंकि इसके बाद और एक कैटेगरी है सर। सर कौन सा? वो सुपर डुपर जीवन लेके आए हुए लोगों के लिए है, यानी हाँ यानी शायद ही इतना हम जी पाए, ठीक है आप देवी जी आप इमेजिन कर सकते हैं देवी जी, ओके सो अब आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि 80 ही कोई टच कर पाए सर आराम से जाओगे 80, वाह बहुत अच्छी ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 80 इयर्स एंड अबाव जिनकी एज है और वो भी कौन से बूढ़े हैं? रेसिडेंट, ठीक है इनको, हाँ इनको हम कहेंगे वेरी सीनियर सिटीजन।
सर इसका मतलब सीनियर सिटीजन में भी दो कैटेगरी है, एक सीनियर और एक वेरी सीनियर। सर सीनियर यानी क्या? 60 to 80 के बीच वाले सीनियर है, 60 to 80 के बीच वाले सारे कौन है? सीनियर। और सर 80 एंड अबव वाले वेरी सीनियर सिटीजन। अपने बच्चन साहब किस कैटेगरी में आएंगे? सीनियर है फिलहाल, ठीक है। सो मंगेशकर, लता मंगेशकर जी वेरी सीनियर की कैटेगरी में 93। ओ माय गॉड, चलो 93 इयर्स ऑफ एज, तो शी विल कम इन वेरी सीनियर कैटेगरी, ठीक है। सो सुनिएगा, ध्यान देखें। सो वेरी सीनियर सिटीजन वाले, सुनिए, वेरी सीनियर सिटीजन वालों के लिए गवर्नमेंट ने एकदम स्पेशल रेट रखा है, ध्यान देके सुनिएगा। स्पेशल रेट है, पहले 5 लाख तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। डायरेक्ट 5 लाख तक पहुंचा है इनको, जी हाँ, बहुत खर्चे होते हैं। ओके, तो इनके पहले 5 लाख तक सरकार बोलता है टैक्स मत भरो, चलो, क्योंकि पहले से इतना जी लिए हो और इतने एज पे भी कमा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तो सर इसका मतलब वो 5% वाला स्लैब ही गायब किया। देखो 5 लाख तक 5% था ना, वो स्लैब ही गायब किया इनको, इनके लिए यानी बाकी लोगों के लिए 5%, 20%, 30% ऐसे 3 टैक्स रेट्स थे, इनके लिए 2 ही है, 20, 30, 5 वाला गायब ही डायरेक्ट। 0 लाख से लेके 5 लाख इस बीच जो भी इनकम रहेगी उस पर टैक्स नहीं लेगी सरकार। 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख के बीच में जो इनकम रहेगी उसके 20% टैक्स लेगी सरकार, और 30 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम होगी इनकी इस पे, सॉरी 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम होगी इनकी इसके ऊपर 30% लेगी टैक्स ये सरकार, समझ रहे हो? सर सर अब एक क्वेश्चन है सर, सर वो सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन ये दोनों के टैक्स पे हेल्थ एंड एडुकेशन से आता है क्या? यस, वो सबके लिए 4% का हेल्थ एंड एडुकेशन से सब केस में ऐड करना है। ओ सर समझ में आ गया सर। तो सर अब दिमाग में कैटेगरीज हमारी फिट हो गई सर, हमने इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में बांट दिया सर। इंडिविजुअल जो नॉर्मल वाला 0 to 60, इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन वाला 60 to 80, और इंडिविजुअल जो वेरी सीनियर सिटीजन वाला 80 एंड अबव। ओके सर, ऐसे 3 कैटेगरीज है सर। इसमें भी हमें यह याद रखना है, अगर फिरंगी है तो फिरंगी फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, उसकी एज कुछ भी हो सर, उससे फर्क पड़ता सर। लेकिन देसी बूढ़े या देसी वेरी वेरी बूढ़े होंगे तो उनके लिए स्पेशल कैटेगरीज है सर। एकदम क्लियर सर। सर एक बार टैक्स रेट रिवाइज करेंगे सर। सबसे पहले सर इंडिविजुअल के लिए क्या टैक्स रेट है जिनकी एज 0 to 60 ईयर के बीच में? पहला बेसिक एग्जम्पशन अप टू 2,50,000, द टैक्स रेट इज निल। 2,50,000 टू 5 लाख, व्हाट इज द टैक्स रेट? 5% सर। 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख इजी, प्लस हेल्थ एंड एडुकेशन सेस एट द रेट, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस इज अ टैक्स ऑन, इट इज नॉट अ टैक्स ऑन। चलो सर, सर उसके बाद आपने बताया था रेसिडेंट सीनियर सिटीजन यानी जिनकी एज 60 इयर्स एंड अबव है सर, उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन क्या है सर? 0 to 3 lakhs, इसके बीच में अगर इनकम होगी तो टैक्स इज निल। 3 lakh to 5 lakh, इसके बीच इनकम होगी तो 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, अबाउट 10 lakh 30। सर वेरी सीनियर सिटीजन, सुपर डुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 इयर्स एंड अबव और रेसिडेंट है, तो उनके लिए सर 0 to 5 lakhs क्या है? निल। 5 lakh to 10 lakh 20%, अबाव 10 lakh 30%, आई होप सबको समझा। प्लस हेल्थ एंड एडुकेशन सेस इज एट द रेट 4%। ओके सर, होमवर्क देंगे? जी हाँ, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, फटाफट लिख दो। मिस्टर एक्स देवी जी गुस्सा मत होना, मिस्टर एक्स ज्यादा नहीं देंगे, देवी जी 3-4 ही देंगे। मिस्टर एक्स एज 95 इयर्स, मिस्टर एक्स एज 95 इयर्स, इनकम 20 लाख 20 लाख, क्या ये देसी है विदेशी है? कुछ नहीं दिया है तो हमेशा, वेरी गुड। ओके सेकंड, मिस्टर वाई एज नहीं, एक्स के बाद वाई ना, वाई अलग होता है, एक्स अलग होता है, एक्स हमेशा एक्स होता है। ओके सो वाई, मिस्टर वाई एज 65 years, Mr. Y, age 65 years, income
9,50,000. Income 9,50,000. Mr. A, a non-resident. Mr. A, a non-resident. Age 75 years. Age 75 years. Income 7,00,000. Income 7,00,000. उसके बाद लास्ट मिस्टर सी, मिस्टर सी एज एज 40 इयर्स, अ नॉन रेसिडेंट, इनकम 25 लाख, 75,000, 75,000. टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके आएंगे, ठीक है? एब्सेंट मत रही है, आगे हम डिस्कशन करेंगे. हेल्थ एंड एडुकेशन से इस वाले का फोटो लेना है आपको, भाई साहब ले लीजिए. वो तो आपने लिख दिया ना, बाकी सब है ना. हेल्थ एंड एडुकेशन से ये ले लीजिए फोटो.